गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो यह राजस्थान के अंदर शुरू हुई है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया कृषि त्यौहार राजा? तो वो उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। और हाल ही में यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ था बालेश्वर के अंदर, जिसके अंदर 300 से अधिक लोग मारे गए थे और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में मनाया गया राजा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक तरह का ये कृषि त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? कृषि त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो ललिता नटराजन ने 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1934 में होती है हिल्टन कमीशन आयोग की वजह से। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आरबीआई का? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। अभी क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन है आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड के अंदर। कहाँ पर? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर ये बीजेपी के सांसद हैं। नेक्स्ट है कहाँ फूड ट्रक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो दिल्ली के अंदर फूड ट्रक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। अब फूड ट्रक क्या होता है? मतलब एक ट्रक के ऊपर ही पूरा रेस्टोरेंट क्या करते हैं सेटअप कर लेते हैं और जैसे शाम को लगा लिया या फिर दिन को सुबह लगा लिया और फिर शाम को अपने घर ले जाते हैं। तो इससे क्या होगा दिल्ली के अंदर क्या भीड़ नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं होगा। नेक्स्ट है किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? तो वो है बांग्लादेश, जहाँ पर 40% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही हो जाती है, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ हमारा देश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। कितनी करता है? तो ये 1694 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में कहाँ स्पेस विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई, जो कि दक्षिणी भारत के अंदर है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। स्पेस क्या है मतलब एक ऐसी होती है छोटा सा जैसे अपन वो खेलते हैं ना कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड के अंदर जो गोटी होती है ठीक है उसको मारा जाता है, हॉकी स्टिक जैसे एक स्टिक होती है उसके द्वारा। नेक्स्ट है अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो चाइना को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है अमेरिकी सीनेट ने। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है। और गुवाहाटी कहाँ पर है? तो ये असम के अंदर। कहाँ पर है? असम है। और असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी है। सॉरी, असम की राजधानी तो दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है, तो गुवाहाटी है कहाँ पर? ठीक है, तो असम की राजधानी तो दिसपुर है लेकिन जो गुवाहाटी है वो भी क्या कहाँ पर है? असम के अंदर ही है। ठीक है, तो असम के अंदर जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है उसने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है। कहने का मतलब किसी भी तरह का कोई भी जो खाना है फूड है वो खराब यहाँ पर नहीं मिलेगा, अच्छा खाना ही यहाँ पर मिलेगा। तो ये था हमारे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, इसलिए लाइक शेयर और इस वीडियो को ठीक है लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।